हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? राम राम सभी को। बाकी आज मैं आप लोगों को दिखाने जाऊंगा यहाँ के लोकेशन, घूमने फिरने के लिए, टूरिस्ट के मतलब टूरिज्म के लिए। और बहुत सारी लोकेशन हैं, बट देखते हैं आज मैं आपको कितनी लोकेशन दिखा पाऊँ। बाकी एक ही दिन में सारी लोकेशन तो नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि उसमें वीडियो भी बहुत लंबी बन जाएगी और फिर एक ही दिन में सारी वीडियो मतलब सब कुछ ही खत्म हो जाएगा एक ही दिन में, तो चीज़ का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि डेली आपको मतलब कुछ नवी नवी लोकेशन दिखाऊँ, थोड़ी थोड़ी करके दिखाऊँ। तो अब मैं जाऊँगा सीधा वहीं पे, ठीक है? आपको सीधा मिलूँगा शिप स्टेशन के बाहर ही, ठीक है? क्योंकि बीच में तो आप लोगों को पता ही है, बाय बस बाय शिप। तो मैं सीधा बस शिप स्टेशन के बाहर ही मिलूँगा उस साइड पहुँच के, मतलब कि यहाँ सीट में बैठ के फिर आगे जब पहुँच जाऊँगा वहाँ से बाहर निकल के मिलूँगा। तो मिलते हैं सीधा वहीं पे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ शिफ्ट स्टेशन के बाहर। बैक साइड में शिफ्ट स्टेशन ही है और ये सामने की लोकेशन, सामने का व्यू। और अभी पहले मैं जाऊँगा उस साइड, फिर बाद में आपको लेके जाऊँगा उस साइड की लोकेशन दिखाऊँगा। हमारी बड़ी शिप भी है, तो बने रहना वीडियो में, दिखाता हूँ आपको इस साइड की लोकेशन, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है। अगर हम समुद्र के पास के एरिया की बात करें तो इस साइड सारा समुद्र ही है ये दूर तक। और ये आसपास की लोकेशन, तो गए जब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा और पास, ये आसपास की लोकेशन बाहर है। यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, ठीक है? रेस्टोरेंट वगैरह भी है सामने। और ये है यहाँ पे स्टैचू की, अभी और पास जाके दिखाता हूँ इस पर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, मतलब ये स्टैचू क्यों बनाया गया है। एक उधर भी है यहाँ का गेट, तो गेट भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है? बाकी उधर दूर उधर समुद्र ही समुद्र है। इसके बारे में बाकी मैं इसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज लेके बताता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है। तो भाई हम आ चुके हैं मूर्ति के स्टैचू के और पास, और इसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पता नहीं कैमरा क्लियर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि लिखा भी इन्होंने अपनी लैंग्वेज में पुर्तगेजी में, तो आपको वैसे भी समझ में आना। और बाकी अब देखना, बाकी गाइस आप लोग देख ही सकते हो ऊपर का व्यू कितना औसम आ रहा है, मतलब कि बीच में नीला आसमान, साइड में टेढ़े बादल। तो अब यहाँ से हम चलेंगे, मैं तो ये अपने इधर घोड़े वगैरह, ठीक है? और हम चलेंगे इनके मेन गेट की तरफ, तो भी आपको लेके चलते हैं जो गेट है। बाकी आप लोग देख ही रहे हो कितने टूरिस्ट इस टाइम यहाँ पे घूम रहे हैं, ज़्यादातर जो टूरिस्ट आए हैं ज़्यादातर आते हैं बाय शिप, जो अभी उस साइड खड़ी थी, आपको वहाँ भी लेके चलूँगा, दिखाऊँगा आपको वो भी। बाकी मतलब ये ना जो समुद्र के सबसे पास्ट का टूरिस्ट एरिया सबसे फेमस यही है, तो ज़्यादा टूरिस्ट यहीं पर आते हैं। और ये अपना गेट, इसके अंदर भी जाके मतलब इस एरिया में रेस्टोरेंट इतने नहीं है, यहाँ जब हम गेट से अंदर जाएंगे ना उसके बाद बहुत सारे रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं गेट के बिल्कुल करीब, ऊपर स्टैचू है क्या हमको तो नहीं पता, मैं तो फिलहाल आपको समझ गया हूँ आसपास के लोकेशन जहाँ पर सभी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। हम चलते हैं गेट के उस पर, इस गेट के नीचे कुछ बना हुआ है वो दिखाते हैं आपको।
ओके गाइस, जो आप अभी मेरे जो सामने हैं, सामने की लोकेशन है, इससे आगे भी जाके रेस्टोरेंट वगैरह हैं और भी बहुत कुछ देखने का है, तो मैं वो आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो गाइस बाकी और लोकेशन है आपको अगली, और कभी ना कभी मतलब जब कभी आएंगे, जब कभी टाइम लगेगा संडे के दिन, ठीक है, जब भी आएंगे तो दिखाएंगे आपको। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से वापस अपना, आपको बड़ी सिप दिखाते हैं, आप दूसरी साइड चलते हैं यहाँ से, वो दिखाते हैं आपको, क्योंकि जो सिप हैं वो तो कभी कभी आती हैं, जो टूरिस्ट हैं वो डेली तो नहीं आते सिप में। तो गाइस अब मैं निकल चुका हूँ अपना घर के लिए, तो बारिश भी होनी स्टार्ट हो चुकी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी, पता नहीं वीडियो में आप लोगों को दिख नहीं रही होगी, क्योंकि बिल्कुल जैसे मच्छर टाइप होते हैं ना, अपने वहाँ बोल देते हैं कि किमिया किड़ियाँ बोल देते हैं, कहीं मच्छर टाइप बोल देते हैं, कि जैसे आज बिल्कुल बारीक बारीक बूंदे वो रखी हैं। तो अभी बस मैं जा रहा हूँ सीधा घर की तरफ ही, तो मिलूँगा आपको घर पहुँच के, मैं तो रास्ते में दिखाता रहूँगा, लोकेशन तो वैसे हो ही चुकी है, तो रास्ते में जाते हुए भी आपको सफ़र दिखाऊँगा, बाकी वीडियो का एंड हम घर पर पहुँच कर ही करेंगे, ओके, क्योंकि कैब तो जाते हुए क्या हालत हो जाए तो वो भी आपको दिखाऊँगा, अगर बीज गए तो वो भी दिखाऊँगा। तो अब चल चुका हूँ मैं, यहाँ से निकल चुका हूँ नगर की तरफ। ये पता नहीं क्या है, अंडा टाइप का कार रखा हुआ है, बाकी सिल्वर के हैं ये, बाकी उस साइड सारा समुद्री समुद्र है, बिल्कुल पास आके दिखाता हूँ आपको, तो बने रहना वीडियो में। ओके एक उस साइड पे एक ये मूर्ति सी है स्टैचू, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ भी एक दिन जाके आएंगे दिखाएंगे ये भी आपको बिल्कुल पास से, क्योंकि यहाँ पुर्तगाल में बहुत टूरिस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ये पुर्तगाल मतलब जो है कंट्री, ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही फेमस है, ये ज़्यादातर मतलब टूरिस्ट ही आते हैं यहाँ के भरोसे, उनके दम पे मतलब उनके भरोसे चल रही है कंट्री। बाकी और तो कहीं कहीं मतलब कि आसपास बहुत इस टाइम मतलब ये एरिया सबसे पहले ये ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल पास है, और आप लोग दिखाता हूँ वो लोग आप दूर देख ही रहेंगे, बड़े वाली समुद्री जो सीप होती है बहुत बड़ी वो भी आई हुई है, तो वो भी दिखाता हूँ आपको पास से थोड़ा जाके, उनकी साइड तो सारा समुद्री ही है। बाकी अगर आप देखें यहाँ पे जब अपने इंडिया में बोल देते हैं नॉर्मली कि पुलिस ही आ गया, वैसे कि इनका नाम इनको ऐसे बोल, यहाँ पे इनको ऐसे ही बोलते हैं पुलिसिया, तो आप गाड़ी पे देख रहे हैं जो लिखा हुआ है। चलो तो मिलते हैं, आगे चल के। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ उस लोकेशन पे, उस साइड बड़ी सिद्ध की साइड, बाकी ये अपना मेट्रो स्टेशन बाहर भी है और अंदर वाली साइड भी है, सिर्फ स्टेशन के अंदर भी है बिल्कुल, इसको बोल देते हो बोल सकते हो टेरो दो पैसों या टेरो दो पैको, कुछ भी बोल सकते हो, बाकी ये आसपास की लोकेशन मतलब रंग बिरंगे घर कितने अच्छे लग रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो में, नीले पीले हरे लाल है ना। बाकी वो भी एक लोकेशन वहाँ आपको लेके जाऊंगा किस दिन, वहाँ भी चलेंगे, मतलब एक ही वीडियो में ज़्यादा, अगर मैं एक ही वीडियो में सारी लोकेशन दिखाने लग गया फिर एक ही वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ी छोटी करके डेली अलग अलग लोकेशन दिखाता रहूँगा, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर एक ही वीडियो पूरी बड़ी बन गई तो आप लोग भी उसको प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाओगे प्रॉपर लोकेशनों को, इसीलिए डेली अलग अलग लोकेशन दिखाऊँगा। तो अभी हम चलते हैं बड़ी सिप की तरफ, तो मिलते हैं आपको वहीं पर जा कर ही, तो बने रहना वीडियो में। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपना बड़े वाली सिप की तरफ,
के पीछे वो लोकेशन, समुद्र। और अभी हमको 22 CP जाना है यहाँ से। सीप आ रही हैं, मतलब सीपें चलती रहती हैं, वो घूम के आएगी अभी इधर ही। बाकी ये है अपनी बड़ी वाली सीप जिसमें टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, यहीं आके रुकते हैं। और सबसे पहले वो ये आसपास की लोकेशन ही देखते हैं, इसको जो लोकेशन है इसको बोलते हैं यहाँ पे मेन टवेरो दो पैको या टवेरो दो पैसो। स्पेलिंग ऊपर मैं डाल दूँगा, लोकेशन में डाल दूँगा प्रॉपर। बाकी खड़े छोटे वाले सिप ये आपको और पास से दिखाऊंगा भी, जो सिप है बिल्कुल पास से दिखाऊंगा कि पूरी वीडियो में पूरे स्क्रीन पे सिर्फ बहुत सिप ही आए, मतलब इतनी पास से दिखाऊंगा कि उस बड़ी स्क्रीन पे कि पूरी स्क्रीन पे सिर्फ वो पूरी अकेली वो सिप ही आए बिना जूम किए। ठीक है, इतनी पास से दिखाऊंगा। तो फाइनली गाइज मैं पहुँच चुका हूँ अपना बड़ी सिप के बिल्कुल पास। वो आप लोग अब सामने देख ही लो, ये है बिल्कुल सामने, मतलब इसी के अंदर ये सारे लोग जो आप लोग देख ही रहे होंगे आसपास, कुछ लोग खड़े हैं बाहर। बाकी कैमरा इतना क्लियर नहीं है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि जूम करने के बाद इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा आपको। मतलब ये लोग अपने लगा लो कि अपने रूम्स के बाहर, क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा रूम्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। बाकी आप लोग सिर्फ देख ही रहे हैं कितना बड़ा है, ऊपर तक है, इसी के अंदर मतलब खाना पीना सब इसी के अंदर होता है इनका, और वो दूर उधर तक है। बाकी उस साइड अपना समुद्र, ठीक है। बाकी उस साइड और आगे चलते हैं, इसके उस साइड से घूम के। तो गाइस ये बिल्कुल और पास से लोकेशन सिप की। इसमें भी यहाँ सभी लोग खड़े हैं, आपको दिख रहे होंगे। बाकी ये आसपास की लोकेशन, उस साइड का बैक एरिया। बाकी धीरे धीरे अब वही हल्की फुल्की बूंदें स्टार्ट हो चुकी हैं, एकदम बूंदाबांदी बिल्कुल हल्की हल्की। मे भी आप लोगों को दिख पाए कैमरे में। तो चलो आज के लिए अपना इतना ही है, तो हम चलते हैं घर की तरफ। तो बने रहना वीडियो में, तो घर पर पहुंच के दिखाएंगे आपको। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपना अब सिप स्टेशन पे, तो मैं जा रहा हूं अंदर, तो मिलते हैं आपको सिप में बैठने के बाद, दिखाते हैं आपको जाते हुए सफ़र आते हुए। तो गाइस सिप में बैठने के बाद हम निकल चुके हैं अपना घर की तरफ, और अब मिलते हैं आपको घर पे पहुँचने के बाद। बाकी मैं बता हूँ सबसे पीछे की सीट पे, फिर मैंने आपको एक पीछे से दिखाया अच्छी तरह। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अपना घर पे, और बाकी भाई और भी नहीं आया, अभी कोई भी नहीं आया। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, मतलब आपने जो लोकेशन देखी है पूरी वीडियोस जो आपने देखी है, तो उसमें लोकेशन जो भी आपने देखी है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी। और जो भी मेरे भाई बंधु जो भी हैं, मतलब मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो अपने सबसे पहले अपने चैनल को, अपने फैमिली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,
और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ठीक है, और ताकि आपको आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए और आप उस वीडियो को जरूर देखें, है ना। बाकी वीडियो, अगर कोई वीडियो में कुछ भी कमी पेशी हो तो जरूर बताना, कमेंट जरूर करना कि इसमें ये कमी पेशी आ रही है, तो ताकि मैं उनको सुन में थोड़ा सुधार कर सकूं। तो मिलते हैं, आज के लिए इतने था, तो मिलते हैं अब किसी नए वीडियो के साथ नई लोकेशन पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और पुर्तगेज में बोलते हैं बोनोइट, गुड नाइट मतलब बोनोइट, बाय मतलब चाओ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।